अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मज़ा सिठार। राइट नाउ अजीनारी माइग्रे यूनिवर्सिटी में आया। अज अस सेलिब्रेट कहते वैलेंटाइन डे, मतलब गाल कजे वैलेंटाइन डे की, मतलब सागी मोहब्बत अज हर मानू की कंप्लेन है, तो मोहब्बत मोहब्बत ना रही जो उन दौर में, मतलब जो खोड़ सारा किस्सा है, शीरी फराद आ, लैला मजनू आ, रोमियो जूलियट्स आ, मतलब उ सब उन किस्सा मशहूर थे। अजोको जो दौर आज जो दौर में टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, तो मोहब्बत छो ना है, हर मानू की कंप्लेन है। हि जो ओहारो है वैलेंटाइन्स डे, जो मोहब्बत ओहारो मल्हो वो यो सिर्फ एकड़े ओहारे लिए छो मल्हो वो सिर्फ यो हमेशा यो याद रखो, सिर्फ इनके कड़ी लाइ मल्हो वे, उन का फीलिंग न होंगी, का हो न होंगी, या मोहब्बत मोहब्बत वो न रही है, या तरजीहत वो न रही हूँ। अज उन बाबा डिस्कस कहता स्टूडेंट्स गए, यंगस्टर्स गए, अज उन बारे डिस्कस कहाल क्यों कचहरी क्यों। माय नेम इज़ आयशा। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आजकल मोहब्बत इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को जो है वो बस एक दूसरे के साथ फीलिंग्स के साथ खेलने का शौक हो गया है, क्योंकि जिस तरह से जब आप जिस तरह से आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप 10 दिन तक वो चीज़ पहनते हैं, कोई ड्रेस हो कुछ भी हो, फिर 10 दिन बाद आपका दिल भर जाता है। मोहब्बत भी बिल्कुल वैसे ही हो गई है, किसी के दिल में कोई नहीं है। जो रिलेशन्स हैं आजकल, जो मतलब पहले बड़े मशहूर होते थे, कम्युनिकेशन भी नहीं था सब चीज़, तो अभी क्यों नहीं है? उस जमाने में और इस जमाने में बहुत फर्क है। तब फ्लर्ट नहीं होता था, अब फ्लर्ट बहुत ज्यादा। फ्लर्ट कौन करता है? बहुत करते हैं, बॉयज को देख के गर्ल्स भी शुरू हो जाती हैं कि हम भी फ्लर्ट करेंगे। अच्छा, दैट्स व्हाई। मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि आयशा ने बोला कि मतलब मोहब्बत ख़त्म हो जाती है 1 महीने, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे 6 साल से मोहब्बत है एक लड़की से और उसका नाम है कैटरीना कैफ। 6 साल से लड़के जो है वो ऑलवेज गलत होते हैं, लड़के कभी गलत होती है, लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग्स होती हैं, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती हैं। अगर लड़के ये सोचते हैं कि वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो लड़के गलत सोचते हैं, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। अगर किसी के पास पैसा है तो किसी के पास तो फिर उसके पास सच्ची मोहब्बत नहीं है, और लड़के पैसा शो करके अपनी मतलब मोहब्बत दिखाने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ गलत है। आजकल फ्लर्ट बहुत हो गया है। अब एज यूजुअल आयशा ने कहा कि प्यार रहा नहीं, भैया सब लोग पैसा देखते हैं। मोहब्बत वो क्यों नहीं रही, मतलब जो पहले मोहब्बत होती। मोहब्बत मैंने तो करी है, मैंने अपनी सच्ची मोहब्बत करी है, ऐसा नहीं कि मोहब्बत नहीं होती यार। एक्चुअली आजकल लड़के लड़की दोनों फ्लर्ट करते हैं, तो इससे अब वो मोहब्बत ही नहीं रही है, क्योंकि एक साइड पे अगर प्यार है तो दूसरा फ्लर्ट जरूर है। रीज़न इज दैट कि लोगों को जो है वो ऑप्शंस और बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स मिल गए हैं। लड़के चाहते हैं कि उनके पास जो है वो कोई बिल्कुल मिस परफेक्ट आ जाए, एंड नाउडेज नोबडी इज परफेक्ट, तो वो ढूंढते हैं कि फिर कि शायद इसमें कोई कमी है, तो फिर वो किसी दूसरे के पास जाता है कि यार इसमें तो ये कमी है, फिर वो दूसरे को ढूंढेगा, फिर तीसरे को ढूंढेगा। तो लोगों को ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस मिल गए कि ये नहीं मिली तो क्या हुआ यार, कुछ कोई और मिल जाएगी, ये नहीं मिली, मतलब कोई किसी एक पे स्टिक नहीं रह सकता। इंसान के पास इतने ऑप्शंस आ गए हैं कि आप किसी मार्केट में भी जाते तो आपको जैसे ऑप्शंस होते हैं, तो वही मोहब्बत जो है वो ऑप्शंस में कन्वर्ट हो गई है। वो एक 5-6 चीज़ें, अब लव इज़ लाइक अ यू नो थिंग, चीज़ बन गई है मोहब्बत, प्यार ही, उसमें इज्जत तो है ही नहीं। अब कोई इज्जत नहीं करता किसी की, वो एक मोहब्बत एक चीज़ हो गई है जिसमें कोई किसी की इज्जत नहीं करता। और आई थिंक कि रिस्पेक्ट ही, वो रिस्पेक्ट जो होता है वही प्यार का पहला आउटकम होता है। प्यार होता है, मुझे भी होता है, सबको होता है, मगर बात ये है कि टेम्प्रेरी होता है। आजकल लोगों के पास टाइम बहुत कम है कि वो दूसरे बंदे को सामने समझे। लड़कियों ने पैकेज, जब पैकेजेस आए इनसे मोहब्बत हर रोज होती है और हर रोज बिगड़ती है।